पाकिस्तान के खेल मंत्री का आया नया बयान, क्या वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं आएगा पाकिस्तान? भारत नहीं आएगी पाकिस्तान टीम, वजीर आजम शरीफ ने लिया बड़ा फैसला। इस चीज को अब सीरियस लेने की जरूरत है और बीसीसीआई को और आईसीसी को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि और अब पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी का भी बड़ा बयान आया है और उन्होंने एक तरीके से धमकी दी है भारतीय टीम को। उनका अब बोल रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, आपका शेड्यूल आ गया है वर्ल्ड कप को लेकर, आप इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे? चीजें तैयार है, पूरी तैयार है, उसके बावजूद आप सवाल उठा रहे हैं। थोड़ी सी जो है टेंशन वो लगातार चले जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री होगी या नहीं होगी, इस पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो बयान जारी किया है वो ये इशारा करता है कि भाई अभी भी चीजें खेलने हिंदुस्तान नहीं आएगा पाकिस्तान। ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के खेल मंत्री ने जो बयान जारी किया है वो ये इशारा करता है कि भाई अभी भी चीजें सस्पेंस में है, अभी भी साफ नहीं हुई है, क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई है, अभी भी फैसला जो है आखिरी फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ही लेना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर हरी झंडी दे देंगे तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान आएगी, नहीं तो वहीं रह जाएगी, यानी कि भारत में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया तो। दरअसल पाकिस्तान के खेल मंत्री हैं एहसान मजारी, उन्होंने कहा है कि अगर भारत की टीम एशिया कप 2023 के लिए न्यूट्रल वेन्यू की मांग करती है तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमारे मैच भारत से अलग करवाओ, हाइब्रिड मॉडल जो एशिया कप में लागू किया गया है वही हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में भी लागू किया जाए। तो ये अभी पाकिस्तान के खेल मंत्री का जो ताजा बयान है ये बताता है कि अभी भी चीजें साफ नहीं है कि पाकिस्तान क्या वाकई में वर्ल्ड कप खेलने के मूड में नहीं है, या सिर्फ मजाक चल रहा है, या फिर टाइम पास हो रहा है कि कभी वर्ल्ड कप खेलेंगे कभी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे।